सीरियल तेरा मेरा साथ रहे में मिथिला ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल देखने को मिलने वाला है कि सुभद्रा सच्चाई फाइनली सबके सामने ला देती है। किस तरह से जो केशव ने अपनी सारी जायदाद पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और यही राज अब मिथिला के सामने आएगा और पूरे परिवार के सामने आएगा, जिसके बाद पूरी अब मिथिला बड़ा फैसला करेगी और इस प्रॉपर्टी के पूरे पेपर्स पर पूरी प्रॉपर्टी अब गोपिका के नाम करवा देती है और पेपर्स उसके हाथों में थमा देती हैं। अब भी इस यहाँ पर गोपिका भी गलत तरीके से पेश आने वाली है। अभी भी 51% तो शेयर्स प्रिया के नाम ही हैं और प्रिया के होश तो तब उड़ जाते हैं जब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी गोपिका के नाम हो रही है। लेकिन अभी भी गोपिका को प्रिया वाली हिस्सेदारी चाहिए और इसीलिए वो इस नाटक को जारी रखेगी और पूरे परिवार को सच में नौकर बना डालेगी। तो गोपिका यहाँ पर मालकिन बने हुए सब पर हुक्म चलाते नजर आने वाली हैं और यहाँ पर एक बार फिर से प्रिया को झांसा देकर ये प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवाएगी। तो तब तक यहाँ पर काफी कुछ ड्रामा चलने वाला है कि पूरा परिवार नौकर बना हुआ नजर आएगा।